बहुत लंबे समय बाद बात हो रही है, जी और मेरे ख्याल से पहली जो हम पिछली बार तो हमारी जो क्लोज हुई थी थोड़े से हॉट टॉक के साथ भी हुई थी। अरे सर चलता है सर। गौरव जी, आपको जानकारी है कि इस बार मैं भोपाल से चुनाव लड़ा था? नहीं सर ये जानकारी नहीं सर, आपको कोई मैसेज भी नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा, वो मेरे ख्याल से शायद नहीं पहुंच पाया होगा। जी। इसका मकसद केवल इतना ही था कि संदेश पहुंचे कि कोई क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से 21 लक्ष्यों से इस देश को बदलने की चाह रख रहा है। जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब सोए पड़े हुए हैं, आप भी तमाम समस्याओं में उलझे हुए हैं। क्या हम मिलकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का निर्माण नहीं करना चाहेंगे क्या? हम बिल्कुल सर करना चाहेंगे जी। और यदि ये काम बहुत आसानी से हो जाए तो क्या गौरव गुप्ता की इसमें सहभागिता होगी? बिल्कुल सर होगी ये सर। हम लोग भी हमारा एक दोस्त हैं, उन्होंने आपसे परिचय भी कराया था एक बार, झांसी में सुरेंद्र प्रताप सिंह। जी तो एक दिन विचार आया, ऐसा आया था कि जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी भाजपा के सामने बौनी हैं, और ये कोई मुद्दा उठाते हैं वो इनको क्रैश कर देते हैं। तो एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो नया नेतृत्व तो निकल के आए पूरे भारत में। तो उसकी हाँ शुरुआत के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हाँ अब दो चार आदमी उसे बन नहीं पा रहा है, और जो आदमी है उसको हमें कोई फेस वैल्यू ठीक ठाक नहीं मिल पा रही है, तो इस देखिए। वजह से वो पेंडिंग है। अच्छा, इसको यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएं तो जी आप इसको समझ के, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियों से काम नहीं चलेगा, हमें सर हमें सभी संगठनों को जोड़ना होगा, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां जिसने बनाई हैं वो राजनीतिक पार्टियां उसने अपने लाभ के लिए बनाई हैं, और वो उनमें इतनी ईगो है और उनका सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। शब्दों का लक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन उनके पास मॉडल नहीं है जो जमीन पे उतरकर जो वो चाह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, वो जमीन पे पैदा कर दे। ये मॉडल किसी के पास नहीं है। क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि भाई सभी लोग जुड़ जाओ, सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ें, और हम तो ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियां इंक्लूडिंग जो नेशनल पार्टी हैं उनका सोच और चिंतन भी तो यही होना चाहिए कि उनके देशवासियों को अच्छा भारत मिल जाए। यदि मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि आप सुर जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ लीजिए, आपको जो है जो भी सत्ता में बैठे हैं यही लोग हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे और हम उन्हें मजबूत कर पाएंगे। यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर जो हमारी संयुक्त शक्ति निर्मित होगी, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अकेली नहीं है, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, ये सभी का। अभी जो आपने भोपाल में सुना था हाँ, तो ये संघ घोषिका था ना निर्दलीय। ये लोकसभा का निर्दलीय हाँ तो सर उसमें क्या स्थिति रही सर? बहुत खराब रही, ये दिखाया, उससे ये स्पष्ट हुआ कि लोग बाग अपने विवेक का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करना चाहते हैं, अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जो व्यक्ति मॉडल के साथ आ रहा है कि इस तरीके से बदलाव होगा, आदमी अपना विवेक का उपयोग ही नहीं करना चाह रहा है सर शायद। विवेक विवेक है ही नहीं तो उपयोग कहाँ से करेंगे? जो आदमी फ्री में खा रहा है उसको विवेक कहाँ उसके पास होगा? नहीं, लेकिन जो फ्री में नहीं खा रहा है, जो आज की व्यवस्था से त्रस्त है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जिससे यदि जिसकी चंदा वसूली हो रही है चौथ वसूली के स्टाइल में, जिसके उप को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके फैमिली मेंबर्स के साथ पिटाई हो रही है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कम से कम उन लोगों को तो आगे आना चाहिए था ना। सर ऐसे बहुत कम लोग आते हैं और विवेक नहीं है, चेतना नहीं है पूरे समाज में, तो हमको एक छोटे से पार्ट में स्टार्ट करना चाहिए। आप भोपाल में ही स्टार्ट कर दीजिए।
कैसे आप बताइए कि क्या क्या इशारत करना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम 5 साल सत्ता में आ जाएंगे और सबको चुनाव जिता लेंगे। ये कोई जैसे इन लोगों ने किया, आम आदमी पार्टी आ गई, पता नहीं कब खड़ी हो गई, कब बंद होने कगार पे आ गई। यदि हम थोड़ा सा राजनीतिक सोच से हट जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। हमारा चिंतन इस बात पे रहे कि हमारे लक्ष्य क्या है। सर थोड़ा मैं इसमें अभी एक थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर मैं आपसे दोपहर में बात करूंगा इस संबंध में। ठीक है, हम विस्तार से बात करें और ये इसको पहुंचाने के लिए आपकी जो चैनल है वो क्या भूमिका निभा सकती है। क्या हम अलग अलग बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करके अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें पैनापन ला सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल सर, ला सकते हैं हम सर, दोपहर में बात करेंगे इस संबंध में पूरी चर्चा के साथ में। बिल्कुल थोड़ा अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये हमारी वार्तालाप चूंकि रिकॉर्ड हो रही है, मेरे ख्याल से आप अपने देशवासियों को कुछ ना कुछ संदेश जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि हमारी हर वार्तालाप किसी लक्ष्य को लेकर हो और जनता को में एक अनुकूल संदेश पहुंचे। चाहे हम ना रहें, हमारे रहने के बाद वो संदेश काम करे, लेकिन वो एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। जी तो आप देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाकी बात अपन बाद में करेंगे। हाँ सर, हम दोपहर में देंगे सर, इसमें थोड़ा व्यस्तता है, हमको ऑफिस पहुंचना है तुरंत अभी, चलिए और हम ठीक आपसे है, दोपहर में बात करते हैं। राइट राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।